तो दोस्तों टाटा आईपीएल 24 में जो आज महाभिड़ंत है वह है चेन्नई सुपर किंग बनाम लखनऊ सुपर जायंट के बीच में, जहां दोस्तों इसके अलावा बता दें कि डेन कॉर्नर को लेकर भी बड़ी अपडेट है। तो दोस्तों इन सभी बड़ी खबरों के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आईपीएल से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें जो सबसे बड़ा अपडेट है डैन कनो को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, डैन कनो जो कि आईपीएल 24 से तो बाहर हो चुके हैं, लेकिन बता दें कि उसके बावजूद भी वह चेन्नई सुपर किंग को चेन्नई में ज्वाइन कर लिए है। जी हाँ दोस्तों, यह पता चलता है कि चेन्नई सुपर किंग एक फैमिली की तरह है। बता दें कि वह प्रैक्टिस करने वाले हैं, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप के लिए वह अपने तैयारी के लिए चेन्नई के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी और कई लीग है जहाँ पर चेन्नई की तरफ से खेलते हुए नजर आते हैं डैन कनो, और इसी वजह से जुड़े हुए हैं चेन्नई सुपर किंग से। लेकिन बता देगा अभी उनका फिटनेस उतना नहीं है कि वह मैच खेल सके, इसी वजह से उन्हें बाहर कर टीम में शामिल किया गया है दूसरे खिलाड़ियों को। इसके अलावा बात करें जो आज महाभिड़ंत है चेन्नई सुपर किंग बनाम लखनऊ सुपर जायंट के बीच में, यह बेहद ही अहम है, क्योंकि पिछली जो मुकाबला हुआ था चेन्नई और लखनऊ के बीच ही हुआ था, और वह मुकाबला जो कि लखनऊ सुपर जायंट ने जीती थी और मुकाबला लखनऊ में था, लेकिन इस बार अलग है, यह मुकाबला चेन्नई में है और अपने घर में चेन्नई बेहद ही मजबूत टीम मानी जाती है। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के पास बेहतरीन चांस है कि पिछले हार का बदला लिया जाए लखनऊ सुपर जायंट से। तो दोस्तों बात करें अभी तक वैसे चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से मात्र 1 मुकाबला चेन्नई सुपर किंग जीती है और 2 मुकाबला जो कि लखनऊ सुपर जायंट ने जीता है और 1 मुकाबला जो कि रद्द भी रहा है। तो वैसे पलड़ा भारी है लखनऊ सुपर जायंट का, लेकिन फिर भी चेन्नई सुपर किंग अपने घर में खेल रही है, तो ऐसे हम उम्मीद करेंगे कि चेन्नई सुपर किंग लखनऊ सुपर जायंट को पटकनी दे। तो अब बात करें इस मुकाबले में जीतने का चांसेस किस टीम का ज़्यादा है, तो दोस्तों देखें तो यह मुकाबला चेन्नई में है और चेन्नई में जो चेन्नई सुपर किंग का विन परसेंटेज है 80 के आसपास है, यहाँ दोस्तों 80-85% है यहाँ पर मुकाबला चेन्नई सुपर किंग जीतती है। चेन्नई सुपर किंग को घर में हराना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है, इस वजह से हमें लगता है कि यह भी मुकाबला चेन्नई सुपर किंग की तरफ ही झुका हुआ है और इजिली यह मुकाबला जीत सकता है। इसके अलावा बता दें जो मुकाबला खेला गया मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, बता दें कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस किए यशस्वी जायसवाल। अभी तक आईपीएल में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे जिसके वजह से उनका आलोचना भी हो रहा था, लेकिन कमाल का शतक ठोककर बता दिया कि यशस्वी जायसवाल किस क्वालिटी के बल्लेबाज है। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी अपडेट जो कि आईपीएल 24 से निकल के आ रही थी, जो कि जुड़ी हुई थी खबर चेन्नई सुपर किंग लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स से। तो दोस्तों आपको यह खबर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।